नमस्कार, देव दुनिया पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में हम आपको बता रहे हैं सलमान से जुड़े हिट एंड रन मामले के बारे में। फिल्म अभिनेता सलमान खान को वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। जिस समय अदालत ने अपना फैसला सुनाया, बॉलीवुड के इस दबंग की आंखों में आंसू छलक आए। वहां मौजूद उनकी बहन अलवीरा रो पड़ी, भाई सोहेल भी उदास थे। हालांकि उनके परिवार की उदासी उस समय दूर हो गई जब उन्हें बंबई हाईकोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 5 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में पूर्व एडमिरल एसएम नंदा के पोते संजीव नंदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के तहत दोषी पाया था और 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। 1999 में दिल्ली में हुए इस हादसे में एक BMW कार ने सड़क के किनारे सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया था। आखिर क्या है सलमान से जुड़ा यह मामला, आइए जानते हैं। 28 सितंबर 2002 की वह मनहूस रात थी जब सलमान की मुश्किलों की शुरुआत हुई। उस रात सलमान की सफेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी बांद्रा में हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के पास फुटपाथ पर चढ़ गई थी, जिससे वहां सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए थे। घटना के बाद उसी रात बांद्रा पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर उनके रक्त का नमूना लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 1 अक्टूबर 2002 को सलमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 304(2) लगाई, जिसके तहत गैर इरादतन हत्या के लिए 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। 7 अक्टूबर को सलमान ने बांद्रा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और 21 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन 3 दिन बाद ही यानी 24 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल गई। मार्च 2003 में सलमान ने मुंबई सत्र न्यायालय में धारा 304(2) के आवेदन को चुनौती दी, लेकिन मई माह में सत्र न्यायालय ने उन्हें झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया और मजिस्ट्रेट अदालत को आरोप तय करने को कहा। इसी वर्ष जून में सलमान ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) इस मामले में लागू नहीं होने की राय दी। फिर अक्टूबर में महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। दिसंबर में न्यायालय ने आदेश दिया कि मजिस्ट्रेट अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) लागू करने के बारे में निर्णय ले सकती है। अक्टूबर 2006 में सलमान खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने आरोप तय किए। 3 अक्टूबर 2007 को पहली प्राथमिकी दर्ज कराने वाले पुलिस अंगरक्षक रविंद्र पाटिल की टीबी से मौत हो गई। 23 दिसंबर 2013 को 17 लोगों की गवाही के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट V.S. पाटिल ने अभिनेता पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया और मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया। 27 अप्रैल 2014 को सत्र न्यायालय में नए सिरे से मुकदमा शुरू हुआ। 24 जुलाई को सत्र न्यायालय ने सलमान के खिलाफ आरोप तय किए। इसी महीने बांद्रा थाने से मामले की फाइल गायब हो गई। 63 गवाहों का वास्तविक बयान गुम हो गया और अदालत ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। 12 सितंबर को फाइलें मिली, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। सितंबर में इस मामले में प्रदीप भराट को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। मार्च 2015 में गवाही के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश DW देशपांडे ने CRPC की धारा 313 के तहत सलमान खान का बयान दर्ज किया। 31 मार्च को सलमान खान के चालक अशोक सिंह ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बयान दिया और कहा कि कार वह चला रहा था, सलमान खान नहीं। 20 अप्रैल को जिरह समाप्त हुई और 6 मई 2015 को अदालत ने अपने फैसले में सलमान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया। पटकथा लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान के फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में बतौर सहायक अभिनेता फिल्म बीबी हो तो ऐसी से हुई। 1989 में बतौर हीरो सलमान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम आपके हैं कौन, साजन, वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर उनकी सुपरहिट फिल्मों में शुमार हैं। अभी सलमान प्रेम रतन धन पायो और बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे। फिल्मी करियर में सलमान का नाम प्रमुख रूप से संगीता बिजलानी, स्वामी अली, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ आदि से भी जुड़ा।
आखिर इस फैसले का बॉलीवुड पर क्या असर होगा, यही बता रहे हैं वेब दुनिया के फिल्म समीक्षक समय तामरकर। सलमान खान जानते थे कि अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी नई फिल्मों जैसे सुल्तान, शुद्धि, नो एंट्री में एंट्री, इन फिल्मों की शूटिंग शुरू ही नहीं की। इस समय वो दो फिल्मों में काम कर रहे थे, बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो। इन दोनों फिल्मों पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा हुआ है। प्रेम रतन धन पायो की 70% शूटिंग हुई है, जबकि बजरंगी भाईजान की 90% शूटिंग हुई है। इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट भी घोषित हो चुकी है। प्रेम रतन धन पायो दिवाली पर और बजरंगी भाईजान ईद पर रिलीज होगी। सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन शुक्रवार का दिन इन दोनों फिल्मों की किस्मत का फैसला भी करेगा। यदि सलमान की जमानत की अर्जी खारिज होती है तो इन फिल्मों की रिलीज पर इसका असर पड़ेगा, करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ये बॉलीवुड के लिए नई बात नहीं है। संजय दत्त और शाइनी आहूजा जैसे अभिनेता जब जेल गए थे तब बॉलीवुड को करोड़ों का नुकसान हुआ था। सलमान खान का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। मुंबई के हिट एंड रन केस के अलावा राजस्थान में काले हिरण के शिकार का मामला भी उन पर चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उस मामले में भी सलमान को सजा हो सकती है। इस मामले में उन्हें कुछ समय जोधपुर जेल में बिताना पड़ा था। इसके अलावा शाहरुख खान, रणबीर कपूर, विवेक ओबेरॉय से भी उनके विवाद के चर्चे रहे हैं। ये थी सलमान खान हिट एंड रन केस पर हमारी विशेष प्रस्तुति। वेब दुनिया पड़ताल कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं या नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर हमें लिख सकते हैं। नमस्कार।